नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी खेरलांजी जनपद पंचायत खेरलांजी की मुख्यालय की ग्राम पंचायत खेरलांजी में आए दिन गुणवत्ताहीन एवं घटिया मटेरियल से चल रहे नाली निर्माण कार्य हो या फिर सीसी रोड निर्माण कार्य हो या फिर पाइप पुलिया निर्माण कार्य हो, पंचायत से होने वाले सभी निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का भारी बोलबाला है। खेरलांजी पंचायत द्वारा 15 दिन में पूर्व बनाई गई गुणवत्ताहीन एवं घटिया मटेरियल से गांधी चौक हनुमान मंदिर से पुरानी पोस्ट ऑफिस तक लागत 10,96,000 रुपये से 400 मीटर सीसी रोड का निर्माण कार्य किया गया है। जिस रोड का निर्माण कार्य किया गया है वहां पूर्व से ही सीसी रोड थी। पुरानी सीसी रोड पर ही 4 इंच मोटी नवीन सीसी रोड का निर्माण कार्य किया गया। वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि निर्माणाधीन सीसी रोड भी एक भी दिन पानी से तराई ना होने से गिट्टियां ऊपर निकल रही हैं। वहीं सीसी रोड से मिलाकर सरपंच द्वारा एक मकान के लिए 100 फीट लंबी सीसी रोड का निर्माण कार्य करवाया गया है एवं घटिया मटेरियल से निर्माण कार्य किए गए सीसी रोड कार्य को चालू रखने हेतु सरपंच पुत्र द्वारा पंचायत प्रभारी सब इंजीनियर प्रावीण मेश्राम को 20,000 रुपए दिए गए हैं ताकि रोड निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ग्रामीणों ने बताया है कि सीसी रोड निर्माण कार्य में सरपंच सचिव जीआरएस एवं पंचायत प्रभारी सब इंजीनियर द्वारा लाखों रुपए का गोलमाल किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने खबर समय जगत न्यूज चैनल के माध्यम से खेरलांजी जनपद पंचायत के सीईओ श्रीमती श्रुति चौधरी से मांग रखी है कि गांधी चौक हनुमान मंदिर से पुरानी पोस्ट ऑफिस तक 400 मीटर सीसी रोड निर्माण कार्य लागत 10,96,000 रुपए वर्क कोड 1648 टीएस नंबर 171 दिनांक 12 सितंबर 2020 एएस नंबर 59 दिनांक 20 दिसंबर 2020 की तत्काल जांच कर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। नंजी में जो सीसी रोड बन रही है हनुमान चौक से मशकरे की दुकान तक की, ये रोड के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? भैया जो रोड बन रही है अपना गांधी चौक से मच्छर किरण दुकान तक, इसे पूरा घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है और ना इसकी तराई की गई कुछ किया गया, जबकि 8 mm बनाने का था जी, 8 mm बनाने का था तो, जबकि पहले की रोड 4 mm बनी हुई है, उसी ऊपर बगैर टचिंग की हुई है उसी पे ढाल दिया गया है और पूरी घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। न कि इस पर कोई पानी की तराई नहीं ढंग से की गई है जिससे रोड उखड़ रही है। इसके पहले सीसी रोड यहाँ पुरानी थी, पुरानी 4 mm पहले की पुरानी रोड थी, उसी पे ढलाई कर दी गया है, टचिंग की हुई। अभी जो नवीन रोड जो बनी है 4 इंची की, 4 इंची के करीब बनी है, वो भी उखड़ रही है, इसकी तराई हुई रहेगी, तराई ढंग से नहीं हो पाई है। तो आपके द्वारा कभी कोई शिकायत की गई? शिकायत उसे किया गया था मैंने, किसी शिकायत करेंगे तो उसका कहना आया कि मैंने मेफराम साहब को 20,000 रुपए दे दिया हूँ, किसी को कुछ नहीं हो सकता, मैंने ऊपर तक पैसे दे चुका हूँ, जो यानी पंचायत के जो उपयंत्री है उनको 20,000 देने की बात दे दिया उसको। तो मैंने इसकी पुष्टि किया सचिव से, मैंने कहा सचिव साहब ये बता रहा है खर्चा लड़का कि सचिव साहब और मेफराम साहब मेरे घर को आए थे मंडे के दिन में, तो मैंने उनको 20,000 दिया हूँ, तो उसकी पुष्टि क्यों? सचिव साहब बोला क्या क्या है ना इस बारे में आपका, तो सचिव ने बोला मुझे जवाब दिया कि हाँ भाईजान बोले रोड अगर सही बना तो मेफराम साहब 20,000 लेते, बोले 10,000 में उसका काम हो जाता। बोले ये रोड कितने दिन हुआ कि बनी हुई है? 15 दिन हुआ, 15-20 दिन हुआ करीब। 15 दिन में कितने दिन में कम्प्लीट हो गई वहाँ से वहाँ तक के जो करीब 20-21 महीना करीब, यानी यहाँ कार्य कितने दिन चालू रहा ये पूछना चाह रहे हैं? 20 दिन का चालू रहा है, यानी पूरा घटिया मटेरियल मटेरियल गुणवत्ताहीन है, गुणवत्ताहीन है, ये जांच होनी चाहिए, जांच होना चाहिए। और ये रोड और जो ये रोड बनी हुई जो दिख रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? कहें कि भी इसका उपयोग कैसा किया गया उसने, कौन सी गवर्नमेंट सेंक्शन नहीं करती है, घर की जो रोड बनाई गई है। ये जो गांधी चौक जो खेरलांजी है ग्राम पंचायत, गांधी चौक से मशकरे की दुकान तक यानी कम से कम 500 मीटर तक के लगभग जो सीसी रोड का निर्माण हो रहा है सर, वहाँ पे ग्रामीणों का आरोप है कि रोड सीसी रोड के ऊपर ही सीसी रोड का निर्माण किया गया, उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? आप कुछ जगह पर सीसी रोड बनी हुई थी तो जिसके ऊपर जो मोटाई थी 6 इंच की रखी गई जी, तो सर उसकी मोटाई जो है 8 इंची रहना चाहिए, तो अभी 6 इंच नहीं, जहाँ एक भी रोड नहीं रहती वहाँ पर अपन 4-4 इंच की दो ले आते थे, बाकी जहाँ बना हुआ था वहाँ पर 6 इंच का ले आते सर। वहाँ पे ग्रामीणों का आरोप है कि पानी निकासी के लिए बाजू से जो नाली भी नाली नहीं है, एस्टीमेट मिला हुआ है, अब इसके बाद में जैसे पैसा आता तो नाली चालू हो जाएगी सर। उसी रोड से लग करके एक मकान के लिए कम से कम 100 फीट की रोड भिजवाई गई है, नहीं उस रोड से पंचायत के द्वारा एक मकान के लिए 100 फीट रोड का निर्माण किया गया है, उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं नहीं, वो सीमेंट रोड उसने सरपंच ने अपनी मर्जी से बनाया, बाकी वो इसपे वैल्यूएशन में शामिल नहीं है। तो इसकी जांच होगी सर अभी वो सीसी रोड की? हाँ।
फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।